हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं ये है एक धार्मिक पौधा। जैसे तुलसी का प्लांट होता है वैसे ही समी का पौधा होता है। इसका नाम समी है। जैसे घर में तुलसी माँ की पूजा होती है तो इस प्लांट की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि ये समी के प्लांट में शनिदेव का वास होता है, तो हर शनिवार को इसमें मतलब धूप दिए बत्ती दिखाए जाते हैं। और ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है, और वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये घर में मतलब रखना ही चाहिए। ये पौधा मतलब बहुत ही लकी पौधा माना जाता है। जब आप मतलब नर्सरी में जाएंगे तो पौधा मतलब छोटा रहेगा, जब आप लाएंगे इसे तो मतलब छोटा प्लांट रहेगा। आप इसे भूसी बना सकते हैं खुद से। तो जब भी आप घर में ये प्लांट लाएं तो आप इसकी मतलब हार्ड प्रूनिंग करते रहें हर मतलब मंथ में, तो इससे पौधा घना हो जाएगा। ये पौधा मेरा 2 साल का पुराना पौधा है, देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी पिंचिंग की है। तो देखिए कितना पौधा मतलब हरा भरा लग रहा है। और इस प्लांट में कभी कभी फूल भी आते हैं मतलब 2-4 साल पर, लेकिन मेरा प्लांट 2 साल का है। तो इसमें देखिए आज ही मैंने देखा एक फूल आया हुआ, जैसे कि देखिए पिंक और येलो कलर के फूल आते हैं। अभी देखिए इसकी कली छोटी बन रही है, एक दो देखिए यहाँ पे भी है। और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके मतलब फूल होते हैं, और इनकी पत्तियाँ मतलब भगवान को अर्पित की जाती है, जैसे तुलसी माँ की पत्तियाँ को अर्पित करते हैं। मतलब बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। अगर आप इस प्लांट को घर की मेन द्वार पे लगाएंगे, जैसे जहाँ से निकलते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे निकलते टाइम इस प्लांट को आप देखें तो बहुत ही शुभ माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड करें, समी का पौधा है। और ये मतलब इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप जरूरत पड़ती है, 4 से 5 घंटे की धूप मतलब चाहिए ही चाहिए। तो आप इस प्लांट को धूप में ही रखें, और ज़्यादा धूप करें मतलब आपके पास टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दें तो ये सही रहता है। और इसकी पिंचिंग करने से ये पौधा बहुत ज़्यादा बुशी बनता है, जैसे कि देख रहे मेरा पौधा कितना मतलब 2 साल पुराना है और बहुत ही मतलब घना हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पौधे की बात करें तो आप इसमें मतलब इसे मतलब 15 से 12 इंच के गमले में लगाएं, मिट्टी के गमले में। बहुत अच्छे से पौधे मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं। और आप इसकी मिट्टी पहले बना लें, जैसे आपके पास जो भी मिट्टी है उसे वर्मी कंपोस्ट नीम के पाउडर मिला के इसका मिट्टी तैयार कर लें, फिर इसकी रिपोर्टिंग करें। ये अच्छे से मतलब ग्रो करता है, हर मंथ में इसकी प्रूनिंग करते रहे। ये पौधा मतलब जितना प्रूनिंग करेंगे उतना ही बुशी होगा, हर जगह से इसके न्यू न्यू ब्रांच आएंगे। और इसमें महीने में एक बार फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जैसे कोकोपीट और क्या बोलते हैं गोबर। और इस प्लांट को मतलब आप एक बार महीने में काउडंग और वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइजर बना के डाल सकते हैं, इससे पौधा आपका बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और इस पौधे में तभी पानी डालें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह ऊपर से एक लेयर सूख जाए। ज़्यादा पानी करेंगे ओवर वाटर से तो ये प्लांट ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये प्लांट वैसे तो जब विंटर में मतलब इसकी पत्तियां नहीं निकलती, मतलब स्ट्रेस में चला जाता है प्लांट, बिल्कुल पत्तियां नहीं निकालता। और समर आते ही इसमें देखिए न्यू ग्रोथ होने लगती है और हर जगह से नई नई पत्तियां आने लगती हैं। और बरसात में तो ये और भी मतलब खूबसूरत इसके पत्ते साइन करने लगते हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो बरसात का मौसम सही रहता है, उस टाइम आप लगा सकते हैं, ईजिली लग जाता है। और इसके गमले की मतलब जितना बड़ा आप मतलब 12 से 15 इंच के गमले में लगाएं, मिट्टी के गमले में लगाएं तो वो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी के गमले में पौधे ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे से ग्रो भी करते हैं और इसमें फूल भी आते हैं और भगवान के इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि समी के मतलब वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। और देख रहे कितनी अच्छी मतलब ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट की, हर जगह से न्यू न्यू फूल, मुझे भी पता नहीं था, मैंने तो आज ही देखा कि इसमें फूल भी आ रहे हैं। 2 साल पुराना प्लांट है, जैसे कि देख रहे हैं फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये फूल खिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि फूल इसमें कैसे आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे प्लांट में फूल ही नहीं आते, ये रेयर बात है। कभी कभी 3 से 4 साल में किसी किसी के प्लांट में आते हैं, बट मेरे प्लांट में 2 ही साल में आ गए, जैसे कि देख रहे हैं मैंने भी आज ही देखा ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्लांट में ही फूल आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने लगाया और फूल कभी आते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी फूल आ जाते हैं किसी किसी के प्लांट में। और आप भी अपने घर में समी का प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत ही लकी प्लांट है। और अच्छी लगी आपको जानकारी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।